नमस्कार दोस्तों, गीकी राम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पोको X2 का जो नया अपडेट आया है दोस्तों, आज उसके बारे में आप सभी से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों इस फ़ोन के बारे में बता दूँ, लगभग मैं 1.5 साल से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। 120 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले के साथ में आता है, 6.3 इंच का आपको फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में आता है, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, 27 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, रियर आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है और फ्रंट में आपको 24+2 मेगापिक्सल का सेंसर मिल गया है। और दोस्तों इस फ़ोन की बात करूँ तो यह फ़ोन बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों, इसके अंदर कोई सिंगल प्रॉब्लम आया नहीं है। अभी आज ही के दिन में दोस्तों इसमें एक नया अपडेट आया है, आज मैं उसके बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप सब देख सकते हो कि पूरा UI चेंज हो चुका है, इसमें कार्टूनिश टाइप का UI आ गया है इस अपडेट के बाद में, तो आप अपने डिस्प्ले के सामने ज़रूर देख रहे हो। ये अपडेट की बारे में बात करो दोस्तों, 12.5.1.0 का अपडेट ये आया है। अब दोस्तों इसकी खासियत बताऊँ इस अपडेट की, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये सिस्टम प्लस नोट्स के अंदर बहुत सारे अपडेट लेकर आता है, और जो पेज लेवल है दोस्तों वो जूम का पेज लेवल आपको सिक्योरिटी पेज लेवल इसके अंदर मिल जाता है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे और आप सभी को बताऊंगा दोस्तों इसके अंदर क्या क्या खास चीज़ें मिलती है। सबसे पहले दोस्तों इसकी खासियत की बताऊं तो इसके अंदर सिस्टम के अंदर आपको 20% आपको फास्टर रेंडरिंग पावर मिल जाता है, प्लस नाउ लिमिट्स टू व्हाट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और दूसरी बात करूँ दोस्तों, विद कस्टम डिवाइस मॉडल एडजस्टमेंट एंड एनी फोन बिकम्स फास्टर आफ्टर द अपग्रेड ऑप्टिमाइजेशन, MIUI बिकम लाइटर। जो इसका यूजर इंटरफेस है MIUI एज कम्पेयर टू थोड़ा लाइट हो चुका है दोस्तों। जैसे कि आप कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो दोस्तों, तो डे बाय डे यूज़ करने के बाद में, दिन बाय दिन यूज़ करने के बाद में इसका जो UI होता है थोड़ा लैग करने लगता है, पर इस अपडेट के आने के बाद में दोस्तों इसका जो यूज़र इंटरफेस है प्लस इसका एक यूज़र एक्सपीरियंस है वो फास्ट हो जाता है, प्लस एप्लीकेशन की स्पीड है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी ओपन होती है, प्लस इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट वर्क करता है। जैसे कि दोस्तों आपने MI के फ़ोन देखे होंगे, उसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों डे बाय डे यूज़ के बाद में थोड़ा स्लो हो जाता है, पर इस अपडेट के बाद में दोस्तों पोको के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, नोट्स के अंदर भी बहुत सारे इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन दिए गए हैं। जैसे कि आप डेली बेसिस पर नोट्स बनाते हो, आपके कोई शेड्यूल बनाते हो दोस्तों, तो उसके लिए बहुत ही सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, उतना कोई खास फीचर्स नहीं है। पर सिस्टम के अंदर दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी अपडेट आया है। जैसे ही मैंने दोस्तों इस फ़ोन को अपडेट किया है, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो वॉलपेपर है दोस्तों ये इस तरह का आ चुका है, आप सभी के सामने देख रहे हो दोस्तों, ये वॉलपेपर इस तरीके का ऑटोमेटिकली आ चुका है, प्लस जो इसका यूज़र एक्सपीरियंस है दोस्तों बहुत ही अच्छा हो चुका है। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो और जो अगर आप इसके जो साइड के जो जो वॉल्यूम बटन है इसको प्रेस करते हो तो उसका पूरा लेआउट पूरा चेंज हो चुका है दोस्तों। इधर से आप डायरेक्ट डार्क मोड प्लस जो विदाउट डार्क मोड इधर से यूज़ कर सकते हो, प्लस इसका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों आप देखोगे पूरा लेआउट अच्छा हो चुका है और एकदम स्मूथ हो चुका है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कीजिए या स्वाइप डाउन या स्वाइप अप करते हो दोस्तों, तो इसके अंदर भी बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आ चुका है। प्लस क्वालिटी की बात करो दोस्तों तो क्वालिटी के अंदर भी बहुत ही अच्छा हो चुका है, लाइट हो चुका है दोस्तों, और ज़्यादातर अपडेट में दोस्तों सिक्योरिटी पेज लेवल आपको जून का मिल चुका है, तो आपको अच्छी सिक्योरिटी भी मिल जाती है, आपका फ़ोन हैक नहीं होगा, हैंग नहीं होगा, वो सारे फंक्शन आपको मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों एंड्रॉयड 10 का अपडेट भी आ चुका है। अब दोस्तों आप में से सभी को यही होता होगा कि इसके अंदर क्या वीडियो के अंदर बोके मोड आया है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों इस अपडेट के बाद में इसके अंदर बोके मोड नहीं आया है। तो दोस्तों यही चीज़ थी आप सभी को बताने के लिए। प्लस दोस्तों इसके अंदर 4K 30 फ्रेम पर सेकंड भी शूट कर सकते हो आप, 1080 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड भी शूट कर सकते हो। तो दोस्तों इस अपडेट के बाद में फ़ोन एकदम लाइट हो चुका है, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा स्मूथ वर्क कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा ये अच्छा यूज़ नहीं हो रहा था, पर अभी के बाद अपडेट के बाद में दोस्तों इसका यूज़र इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है, फ़ोन एकदम स्मूथ हो चुका है, फ़ोन एकदम नए जैसा जैसे यूज़ करते हो दोस्तों उस तरह का हो चुका है। प्लस इसके अलग सेंसर की बात करें ब्राइटनेस लेवल भी दोस्तों बहुत ही फास्ट एंड एक्यूरेट अच्छा हो चुका है। अब ब्राइटनेस लेवल की बात करें दोस्तों तो बहुत ही अच्छा हो चुका है, सनलाइट के अंदर अभी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फिलहाल नॉर्मली प्रॉब्लम सनलाइट के अंदर आती थी, पर जो इसका वॉलपेपर है दोस्तों बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, HD टाइप का वॉलपेपर लगता है दोस्तों, ये 3D वॉलपेपर जैसा लगता है। यूज़र एक्सपीरियंस स्मूथ हो चुका है, फास्टर हो चुका है, रेंडरिंग स्पीड अच्छी हो चुकी है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, कोई एप्लीकेशन को आप रन करते हो तो कभी कोई प्रॉब्लम
आने वाली नहीं। पर दोस्तों एक इसका कौन से, जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो अगर आपका फ़ोन आता है तो फ़ोन के ऊपर आप पिक नहीं कर सकते हो, पहले आपको एप्लीकेशन को क्लोज करना पड़ेगा या आपको होम स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, तभी आप इस किसी भी कॉल को यूज़ कर सकते हो या पिक कर सकते हो। तो थोड़ा इसका एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज दोस्तों फ़ोन एकदम अच्छा हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यही फीचर्स है दोस्तों इस फ़ोन के अंदर। और नोट्स के अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर दे दिए गए हैं, जैसे कि आप स्केच कर सकते हो या अदरवाइज कोई भी शेड्यूल करना है तो कर सकते हो। ये सारे फीचर्स दोस्तों इस अपडेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई अपडेट में खास फीचर्स नहीं था, जैसे कि मैंने बताया कि स्मार्ट एक्सपीरियंस हो चुका है, 20% फास्टर हो चुका है, वॉलपेपर आपको HD अब मिलने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दोस्तों कि इस पोको X2 के नए अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हो, आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे गेम की बात करो दोस्तों तो इसके अंदर एड्रीनो 630 का GPU दिया है, गेमिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो इस फ़ोन को आप ज़रूर पिक कर सकते हो एंड्रॉयड 10 के साथ में, और जो नए अपडेट आते हैं दोस्तों तो उसके अंदर भी आप इस फ़ोन को ज़रूर पिक कर सकते हो। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों आप इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस अपडेट के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर पूरे डीपली एंड क्लियरली ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को और ग्रो होना चाहिए तो अपने फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।